हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो गाइज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत सारी बड़ी बड़ी अपडेट्स जो कि निकल कर आई हैं आईपीएल 2020 के लिए। टॉम बेंटन जो कि एक काफ़ी बड़ा नाम हो सकता है उनके बारे में, उन्होंने खुद ही बोल दिया है कि वो इस आईपीएल टीम से खेलेंगे। और इसके साथ ही ग्लेन मैक्सवेल के बारे में भी बात करेंगे कि आईपीएल 2020 को लेकर क्या वो खेलेंगे या फिर वो नहीं खेलेंगे। तो इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को आप देखना बिल्कुल लास्ट तक। इसके साथ ही अगर आप लोग चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब और आप उस नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर सकते हैं जिससे मेरी वीडियोस की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो गाइस बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर टॉम बेंटन की। अब मैंने आपको बताया था कि टॉम बेंटन यहां पर इंग्लैंड में कमाल का सीजन रहने के बाद टी10 लीग में चले गए थे और टी10 लीग में भी उन्होंने काफी अच्छी इनिंग खेली थी। सिर्फ 28 बॉल में 80 रन मार दिए थे और एक टाइम पर वो पहले बैट्समैन बनने वाले थे जो कि टी10 मैच में 100 मारता। हालांकि क्रिस लिन भी 2-3 बार काफी पास पहुंचे थे लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं पाया। लेकिन टॉम बेंटन के आईपीएल में अवेलेबिलिटी के ऊपर हम लोग काफी टाइम से क्वेश्चन कर रहे थे। हमें पता नहीं था कि टॉम बेंटन आईपीएल में आएंगे या फिर नहीं आएंगे। मैंने आपको बोला था कि टॉम बेंटन के पीछे बहुत सारी टीम जाने तो वाली है लेकिन यही श्योर नहीं हो पा रहा कि टॉम बेंटन आईपीएल खेलेंगे भी या फिर नहीं, क्योंकि यहां पर जिस टाइम आईपीएल होता है उसी टाइम पे इंग्लैंड में भी काफी क्रिकेट से जुड़ी चीजें चल रही होती हैं। तो शायद टॉम बेंटन उसको ज्यादा प्रायोरिटी दे जैसा कि इंग्लैंड के ज्यादातर क्रिकेटर्स करते हैं। लेकिन अब यहां पर काफी अच्छी न्यूज आई है जहां पर टी10 लीग के दौरान ही उनका इंटरव्यू हुआ और टॉम बेंटन से जब पूछा गया कि क्या आप आईपीएल में खेलने वाले हो तो बिल्कुल ही तैयार हो गए। मतलब आईपीएल से पहले ही उन्होंने यहाँ पर साफ कर दिया कि हाँ बिल्कुल वो नीलामी में आने वाले हैं। आईपीएल के ऑक्शन में हमें टॉम बेंटन जरूर दिखने को मिलेंगे और उन्होंने आईपीएल की बहुत ज़्यादा तारीफ की। उन्होंने बोला कि मेरी एज अभी सिर्फ 20-21 साल की है और मैं काफ़ी बड़ा फैन रहा हूँ आईपीएल का। उसके साथ ही उन्होंने ये भी बोला कि जब भी वो आईपीएल के सारे मैचेस आते हैं तो वो सारे मैचेस देखते हैं, एक भी मैच को मिस नहीं करते। और जब उनसे पूछा गया कि यहाँ पर सीएसके और मुंबई इंडियंस दोनों ने आपसे कॉन्टैक्ट किया है तो आप यहाँ पर किस टीम से खेलना चाहते हो, तो उन्होंने बिल्कुल क्लियर बोल दिया कि वो मुंबई इंडियंस से खेलना चाहते हैं आईपीएल 2020 में। मुंबई इंडियंस के वो बहुत बड़े फैन रहे हैं और इसके साथ ही वो चाहते हैं कि आईपीएल ऑक्शन में यहाँ पर मुंबई इंडियंस ही उनको खरीदे। और यहाँ पर ये काफी बड़ा स्टेटमेंट है क्योंकि मुंबई और चेन्नई दोनों ने ही उनसे कॉन्टैक्ट किया था कि अगर आप अवेलेबल हो तो हम आपको खरीदना चाहते हैं। अब हालांकि ये तो हमें आईपीएल ऑक्शन में ही देखने को पता चलेगा कि जिस टीम के पास ज्यादा पैसा होगा ऑब्वियसली जो टीम ज्यादा पैसा लगाएगी वही उन्हें खरीद पाएगी। लेकिन टॉम बेंटन ने यहाँ पर साफ कर दिया कि वो मुंबई इंडियंस से खेलना चाहते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरी बड़ी अपडेट के बारे में जो कि यहाँ पर निकल कर आई है ग्लेन मैक्सवेल के बारे में। अब आप में से जिनको नहीं पता, वहां पर ग्लेन मैक्सवेल मेंटल इश्यूज की वजह से क्रिकेट से दूर हो गए थे और कोई भी फिक्स ड्यूरेशन यहां पर निकल कर नहीं आई थी कि वो कब यहां पर वापस हमें देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन अब फाइनली एक अच्छी न्यूज आई है और ग्लेन मैक्सवेल जो भी उनका डिप्रेशन वाला स्टेट था और जो भी उनकी मेंटल अनस्टेबिलिटी चल रही थी जिसकी वजह से वो बाहर हुए थे वो अब पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है और मैक्सवेल यहां पर बहुत जल्दी क्रिकेट में हमें रिटर्न करते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो आईपीएल 2020 से रिलेटेड जितने भी यहां पर डाउट आ रहे थे कि क्या मैक्सवेल खेलेंगे या फिर नहीं खेलेंगे, क्या यहां पर मैक्सवेल का नाम आएगा ऑक्शन में, तो हां बिल्कुल ग्लेन मैक्सवेल इस बार हमें खेलते हुए दिखाई देंगे आईपीएल 2020 में। तो उन टीमों के लिए अच्छी न्यूज है जो कि बोल रही थी कि मैक्सवेल को अपनी टीम में ले सकते हैं, जैसे कि आरसीबी ने स्टेटमेंट दी थी। तो इन टीमों के लिए यहां पर काफी अच्छी न्यूज है कि मैक्सवेल को ये लोग यहां पर आसानी से अपनी टीम में पिक कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए मेरे पास इतनी न्यूज थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो और वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को कर सकते हैं लाइक। इसके साथ ही कॉमेंट करके आप लोग मुझे अपना ओपिनियन जरूर बताना कि टॉम बेंटन के बारे में आपका क्या ख्याल है और आप उनको किस टीम में देखना चाहते हो। तो मैं मिलता हूं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।